हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल दैट इज साइंस विद एश। तो आज हम करने जा रहे हैं फॉलो अप सर्विसेज। जैसे कि हमने पहले दो तरह की गाइडेंस सर्विसेज की थी, एक थी हमारी ऑक्यूपेशनल गाइडेंस सर्विसेज मतलब, और दूसरी क्या थी हमारे पास ऑक्यूपेशनल के साथ साथ दूसरी थी प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस। और अब हम थर्ड तरह की करेंगे सर्विस जिसका नाम है फॉलो अप सर्विस। ये हमारी लास्ट सर्विस है, तीन तरह की गाइडेंस सर्विसेज होती हैं। तो फॉलो अप सर्विसेज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक्चुअल में फॉलो अप सर्विस होती क्या है। फॉलो अप सर्विस वो होती है कि जैसे कि किसी इंडिविजुअल ने जॉब ले ली, उसकी प्लेसमेंट हो गई, और अब उन्होंने क्या करना है कि जिसने उनको जॉब दिलाई है वो क्या करेगा, उस इंडिविजुअल को फॉलो करेगा। फॉलो क्यों करेगा, ऐसा नहीं कि उसके पीछे पीछे जाएगा। द थिंग इज़, इसका भी एक प्रोसीजर होता है, मीन्स वो उसको फॉलो करेगा, वो देखेगा कि एक्चुअल में वो इंडिविजुअल उस जॉब के लिए सही भी है या नहीं है, और उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ये फॉलो अप सर्विस बनाई गई है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉलो अप वाला, बहुत रेयर केस है ये आता है, बट करना तो पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, फॉलो अप सर्विसेज क्या होता है, फॉलो अप एक्टिविटी होती है इंडिविजुअल की प्लेस्ड इन अ जॉब थ्रू प्लेसमेंट सर्विसेज, की प्लेसमेंट कर दी है उस इंडिविजुअल की, एंड टू सी वेदर ही हैज़ अचीव द सक्सेस और नॉट इन द जॉब असाइन टू हिम। अब देखना है कि उसको उस जॉब में सक्सेस मिली है या नहीं मिली है, इसलिए ये फॉलो अप सर्विसेज होते हैं। फॉलो अप सर्विसेज ऑल्सो ट्राइज टू नो द कॉज ऑफ इंडिविजुअल फेलियर और डिससेटिस्फेक्शन इन अ जॉब एंड ट्राई टू रिमूव दैम। फॉलोअप सर्विसेज क्या करता है कि वो उस इंडिविजुअल को फॉलो करता है और देखता है कि अगर उसकी फेलियर हो रही है उस जॉब में तो क्यों हो रही है, और उसको रिमूव करने की कोशिश करता है उस प्रॉब्लम को। फिर आ जाता है अकॉर्डिंग टू डाउनिंग। डाउनिंग के अकॉर्डिंग फॉलोअप सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम विच इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नीडेड टू असिस्ट द यंगस्टर्स इन मेकिंग बेटर एडजस्टमेंट टू स्कूल, ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो स्कूल में बेटर एडजस्टमेंट कर सके, टू वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और टू जॉब, इन सब में मतलब अच्छे से परफॉर्म कर सके। देन कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप सर्विसेज। ये फॉलो अप सर्विसेज इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया था, हमने देखना है कि जो इंडिविजुअल है वो सही से कर रहा है या नहीं, बट उसको अब हम पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पॉइंट, टू एसर्टेन वेदर द इंडिविजुअल इज़ वर्किंग हार्ड, कि चेक करना है उन्होंने जिन्होंने प्लेसमेंट करवाई है कि क्या वो सही से कर रहा है अपनी जॉब को, क्या वो हार्ड वर्क कर रहा है। हार्ड वर्क क्या होता है, बिकॉज हमें पता है कि हार्ड वर्क क्या होती है, की टू सक्सेस होती है। तो उस पर चेक रखने के लिए जो फॉलो अप सर्विसेज है वो बनाई गई है। देन कम्स टू एसर्टेन वेदर द इंडिविजुअल इज टेकिंग इनिशिएटिव, कि क्या जो इंडिविजुअल है वो इनिशिएटिव ले रहा है, आगे होके काम कर रहा है उस जॉब में अच्छे से, उसको चेक करने के लिए फॉलो अप सर्विसेज बनाई गई हैं। देन नेक्स्ट थर्ड, टू फाइंड आउट वेदर द इंडिविजुअल लव्स हिज जॉब, कि क्या इंडिविजुअल को आपने प्लेसमेंट तो उसकी कर दी, पर क्या वो सेटिस्फाइड है उस जॉब में, क्या वो अच्छे से कर रहा है, क्या उसको पसंद है वो जॉब, वो चेक करने के लिए फॉलो अप सर्विसेज होती हैं। देन कम्स अ फोर्थ इंपॉर्टेंस, टू डिस्कवर वेदर द इंडिविजुअल इज ऑनेस्ट, कि चेक करना है कि क्या इंडिविजुअल अपने काम को लेकर ऑनेस्ट है, वो अच्छे से कर रहा है। फिफ्थ, टू नो वेदर द इंडिविजुअल हेल्प अदर वर्कर्स, कि क्या वो कोऑपरेटिव है, दूसरे वर्कर्स के साथ मिलकर वो अच्छे से काम कर रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है, ये भी देखना है। देन सिक्स्थ, टू डिस्कवर इंडिविजुअल क्वालिटीज़, कि कई बार क्या होता है कुछ काम ऐसा दिया जाता है कोई इंडिविजुअल को लगता है कि यार वो नहीं कर पाएगा, बट इससे क्या होता है उसकी क्वालिटीज़ निकल कर आती हैं बाहर, जब वो उस काम को करता है उससे वो क्वालिटीज़ पता लगती हैं कोई न्यू काम करने से। फिर आ जाता है सेवन, टू डिस्कवर वेदर इंडिविजुअल इज डूइंग इज बेस्ट, कि वो चेक रखते हैं जो फॉलो अप सर्विसेज वाले होते हैं उस पर चेक रखते हैं कि क्या वो अपना काम सही से कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, अपनी क्वालिटीज़ को अच्छे से यूज़ कर रहा है अपनी जॉब्स में, ताकि उसकी आगे भी प्रमोशन हो सके उसके लिए। टू नो वेदर द इंडिविजुअल करेक्ट हिज मिस्टेक, चेक करना कि क्या अगर इंडिविजुअल से अगर कोई मिस्टेक हो भी रही है तो क्या वो अपनी मिस्टेक सही कर रहा है, मतलब आगे से वो एज सेम मिस्टेक नहीं करेगा। देन नाइन्थ, टू डिस्कवर द जॉब डिसिप्लिन, कि क्या वो डेली टाइम टू टाइम जॉब पे आता है, पूरा डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, कि जो उसको काम दिया जाता है वो अपना हर एक दिन का काम एक दिन में ही ख़त्म करके जाता है अपना जितना होता है, उसके लिए मीन्स डिसिप्लिन रखना। देन कम्स द टेंथ, टू डिस्कवर इंडिविजुअल अटेंटिवनेस, कि
क्या वो अटेंटिव है अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या वो अटेंटिव है, उनका क्लोज अटेंशन है, उनके टॉक्स कर रहा है, उनके साथ बातें कर रहा है, जो भी काम दे रहे हैं उनको क्या वो अटेंटिव है अपना काम करने में, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉलोअप सर्विसेज बनाए गए हैं ताकि वो इंडिविजुअल पे चेक रख सके। फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, मींस पर्पस इसके फॉलोअप सर्विस के, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसका मेन पर्पस क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, पर्पस, एम, अचीवमेंट ऑफ गाइडेंस पर्पसेस, ताकि गाइडेंस पर्पसेस, जो भी गाइडेंस पर्पसेस है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, जितने भी थे, क्या वो अच्छे से कर रहा है। देन कम द प्लेसमेंट सर्विसेज, कि प्लेसमेंट तो आपने कर दी, क्या आपने सही डिसीजन लिया उसकी प्लेसमेंट करके, इसके लिए फॉलोअप सर्विसेज होती हैं। देन कम्स टू कीप द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, अपने क्लाइंट से रिलेशनशिप रखने के लिए, अच्छे से उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, इम्प्रूवमेंट इन गाइडेंस एंड प्लेसमेंट, गाइडेंस और प्लेसमेंट सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इवेल्युएट सक्सेस एंड अचीवमेंट, देखने के लिए इवेल्युएट करना कि क्या उसको सही से सक्सेस मिली है, क्या वो अचीव कर पाया उस सक्सेस को, टू चेक द वेस्टेज कि कहीं पे कोई टाइम वेस्टेज तो नहीं हो रही, क्या वो अच्छे से जो उसको प्लेसमेंट दी गई है क्या वो अच्छे से उसको यूटिलाइज कर रहा है उस टाइम को, उस जॉब को, टू मॉडिफाई गाइडेंस सर्विसेज को और मॉडिफाई करने के लिए ये सब करना। देन कम्स अ प्रोसीजर ऑफ फॉलोअप, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो फॉलोअप सर्विसेज होती है वो ऐसे ही तो बन नहीं जाती कि आप उसके पीछे पीछे चले गए उसको फॉलो कर रहे हो, नो, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है। पहले एक अलग से कमेटी बनाई जाती है, मीन्स डिज़ाइन की जाती है कमेटी, फिर उस कमेटी को कुछ एम और ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं कि ये इसका एम है, ये एक इंडिविजुअल है, इसको इस पे आई रखनी है, आपने आंख रखनी है कि हाँ वो सही से जॉब कर रहा है या नहीं, कुछ एम्स होते हैं कि क्यों करना है ये सब। थर्ड, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंबर्स की, कि कुछ उनको ड्यूटीज़ बांट दी गई हैं, अब वो कमेटी फॉर्म होगी, उसका एक ऑब्जेक्टिव भी बन गया, उस ड्यूटीज़ को बांटना है उन्होंने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन द सर्वे ऑफ द स्टूडेंट, फिर उस इंडिविजुअल का सर्वे किया जाता है टाइम टू टाइम कि क्या वो सही से अपना काम कर रहा है। कुछ टेक्निक्स होती है फॉलोअप की, कि टेक्निक्स यूज़ करके मीन्स आप फॉलोअप सर्विसेज देख सकते हो, उस पर चेक रख सकते हो, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, ये आगे आप पढ़ोगे वैसे, बट अगर मैं वैसे ही बता दूँ, ऑब्जर्वेशन की, आप उसको दूर से ऑब्जर्व करोगे कि क्या वो कर रहा है या नहीं कर रहा, कंडक्टिंग कॉन्फ्रेंसेज आप करोगे, उससे कॉन्फ्रेंसेज के थ्रू आप उनके मेंबर्स से बात करोगे कि क्या वो इंडिविजुअल जिसकी आपने प्लेसमेंट करवाई है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, चेकलिस्ट होगी, उनका इंटरव्यू किया जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के थ्रू चेक कर सकते हो, इवेल्युएशन एंड रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल कि क्या उनके मेंबर्स उनको क्या रेटिंग स्केल दे रहे हैं कि वो अच्छे से कर रहा है काम या नहीं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कॉल करके पूछ सकते हो, मीन्स बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, या आगे जाके आप पढ़ोगे टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स में। आई होप दिस मच कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू, और इसके साथ हमारी गाइडेंस सर्विसेज कम्प्लीट हो जाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।